1947 के आसपास हिंदुस्तान और इज़राइल लगभग साथ में अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए और दुनिया के नक्शे पर उभरे। कायदे से दोनों देशों को तुरंत दोस्त बन जाना चाहिए था, लेकिन भारत के फिलिस्तीन के प्रति झुकाव के कारण 1992 तक भारत इज़राइल के रिश्ते दुनिया से छुपे रहे। फिर 1992 में हिंदुस्तान ने इज़राइल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा ही दिया। उस बात को 25 साल होने को है और उस मौके को यादगार बनाने के लिए भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आधिकारिक तौर पर इज़राइल गया। अब तक हिंदुस्तान और इज़राइल अलग अलग क्षेत्रों में एक दूसरे का साथ देते आए हैं, लेकिन अब ये संबंध और गहरे होते जा रहे हैं। चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरे इस छोटे से देश ने अपनी मेहनत से ऐसा बहुत कुछ हासिल किया है जो हमारे लिए मिसाल की तरह है। आज की इस वीडियो में हम उन 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमें इज़राइल से सीखनी चाहिए। पहला, अपनी संस्कृति को सहेजना। हिंदुस्तान में भाषाओं की बड़ी विविधता रही है। 22 बड़ी भाषाएं हैं और 1600 से ज़्यादा बोलियाँ हैं, लेकिन यूनेस्को द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 196 लुप्त होने की कगार पर हैं, मतलब इन्हें बोलने वाले कम होते जा रहे हैं। इस मामले में हम दुनिया में सबसे बुरी स्थिति में हैं। भाषाएं सहेजना हम इज़राइल से ही सीख सकते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में हिब्रू यहूदियों के धर्म ग्रंथ में सिमट चुकी थी, वैसे ही जैसे आज हमारे यहाँ संस्कृत हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में सिमट चुकी है। लेकिन जब यूरोप के अलग अलग हिस्सों से यहूदी अपना नया मुल्क बसाने फिलिस्तीन आकर बसने लगे, तो पूरे देश को बांधने के लिए एक नई भाषा की जरूरत महसूस हुई। किसी विदेशी भाषा को अपनाने की बजाय यहूदियों ने अपने इतिहास को तलाशा और लोगों ने आपस में हिब्रू में बात करनी शुरू की। नए स्कूल खोले गए जहाँ सिर्फ हिब्रू में पढ़ाई होती थी। इस तरह धीरे धीरे हिब्रू का संस्कार लोगों में दोबारा पनपने लगा। आज इज़राइल की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज पूरी तरह से हिब्रू में पढ़ाई करती हैं, वो भी इंजीनियरिंग जैसे विषयों की। इज़राइल की पढ़ाई का दुनिया लोहा मानती है। खेती की नई तकनीक। हिंदुस्तानी कई पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ खेती के लिए अकूत संसाधन है, लेकिन उपज हो ना हो हमारा किसान आज भी बेहाल है। वहीं इज़राइल छोटा सा देश है, अपने यहाँ के मिज़ोरम के बराबर। उसमें से सिर्फ 20% ज़मीन ऐसी है जिस पर खेती हो सकती है, सिर्फ 1,26,000 एकड़ में। ऊपर से पानी की कमी भी है। बावजूद इसके इज़राइल खेती के मामले में दुनिया में सबसे अव्वल देशों में गिना जाता है। प्रकृति की चुनौतियों को इज़राइल ने तकनीक से जवाब दिया है। यहाँ खेती में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे उन्नत है। इज़राइल में सिर्फ 0.4% लोग खेती करते हैं, लेकिन वो अपने देश की ज़रूरत का 95% खाना उगा लेते हैं। साथ ही ढेर सारा माल एक्सपोर्ट भी करते हैं। कुछ इलाकों को छोड़ भारत में खेती में इज़राइल जैसी कोई चुनौती नहीं है। इज़राइल के अनुभव से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, खासकर राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में जहाँ की ज़मीन इज़राइल के जैसी है। स्टार्टअप कल्चर। भारत में इन दिनों सरकार लगातार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात कर रही है। इस एक चीज़ में तो इज़राइल दुनिया का बॉस है। इज़राइल के टेक्नीशियन गूगल और सिस्को जैसी कंपनियों में नौकरियाँ ही नहीं करते, बल्कि अपने वेंचर भी लॉन्च करते हैं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नेस्टेक पर जितनी इज़राइल की कंपनियां लिस्टेड हैं, उतनी उसके बाद के 5 देशों को मिलाकर भी नहीं हैं। हमें इज़राइल से 2 सबक सीखने चाहिए। इज़राइल में इंटेलिजेंट फेलियर की बात होती है, मतलब अगर आपसे कोई नया काम करते हुए गलती हो जाए तो आपका करियर खत्म नहीं माना जाता, तो आदमी बिना डरे रिस्क लेता है। इज़राइली लोग मल्टीटास्किंग में बड़ा विश्वास रखते हैं। एक आदमी एक ही समय में तरह तरह की चीज़ें आजमा कर देख सकता है। डायस्पोरा का इस्तेमाल।
इसराइल दुनिया भर से आकर बसे लोगों का देश है, तो दुनिया भर में उनके सगे संबंधी रहते हैं। इस एक चीज का इसराइल भरपूर फायदा उठाता है। वहाँ की सरकार जहाँ गुंजाइश हो इसराइल कनेक्शन ढूंढ लेता है और उसे अच्छी तरह बनाता है। अमेरिकी इंडस्ट्री और फिल्म बिजनेस में यहूदियों की तगड़ी पकड़ है। लाजमी तौर पर वो इसराइल से सहानुभूति रखते हैं, तो अमेरिकी इंडस्ट्रीज से इसराइल को पूरी मदद मिलती है और हॉलीवुड के जरिए इसराइल का नज़रिया दुनिया भर में गूंजता रहता है। ये ठीक वही काम है जो हम दुनिया भर में बसे भारतवंशियों के जरिए होते देखना चाहते हैं। पांचवा, इसराइल चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा है। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र के साथ साथ सभी अरब देश अंदर ही अंदर इसराइल के खिलाफ दुश्मनी पाले हुए हैं। सबके सब मिलकर इसराइल पर हमला करते रहे हैं। इनके अलावा गाजा और वेस्ट बैंक में हमास और फतेह के उग्रवादी भी इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बावजूद इसके इसराइल आंतरिक और बाहरी दोनों तरफ से काफी सुरक्षित हैं। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन लंबे समय से कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। भारत इस मामले में इसराइल से दो सबक सीख सकता है। पहला, इसराइल की तरह इंटेलिजेंस इकट्ठा करना और उस पर समय रहते अमल करना। दूसरा, अपने पास मौजूद तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करना। इसराइल के आयरन डोम के चलते उससे होने वाला नुकसान हमेशा कम से कम रहता है। आयरन डोम एक मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी है। सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ, इसराइल की सरकार अपनी नागरिकों का बड़ा ध्यान रखती है। यहाँ के सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में एक इंसान की पढ़ाई से लेकर उन्हें काम देकर सेटल करने तक का ध्यान रखा जाता है। कोई बीमार पड़े तो दुनिया का बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम तुरंत हरकत में आ जाता है। यहाँ की एम्बुलेंस सर्विस द रेड स्टार ऑफ डेविड आम इसराइलियों के साथ साथ उन सीरियन और अरब लड़कों में भी उतनी ही प्रसिद्ध हैं जो इसराइल पर हमला करने आते हैं और फौज की कार्रवाई में घायल हो जाते हैं। भारत के सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम को अभी बहुत आगे जाना है और इस क्षेत्र में हम इसराइल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? आपके कमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए कमेंट ज़रूर करना और हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे।